नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 GK एवं GS देखेंगे, जो किसी भी आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए सिल्वर आयोडाइड, बी पोटेशियम क्लोराइड, सी नाइट्रिक एसिड, डी फेरिक ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में हम लोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, जिनके लिए चार ऑप्शन है, ए दबाव, बी अनुप्रयोग, सी संपीड़न, डी निपीड़न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दबाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? ए अनुच्छेद 254, बी अनुच्छेद 124, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 123। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रयोग है, मशरूम जिसको कुकर मुता के नाम से भी जानते हैं, किसका उदाहरण है? ए कवक, बी शैवाल, सी हरा पौधा, डी मुनेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए अरावली, बी सह्याद्री, सी नीलगिरी, डी सतपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री धारा है, जिनके लिए चार ऑप्शन, ए लेबराडोर, बी वेनेजुएला, सी क्रोसियो, डी हम्बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोसियो। क्रोसियो है जो समुद्री गर्म जलधारा है, जबकि बाकी जो भी है वो ठंडी जलधारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का दो बार अभिषेक हुआ था? चार ऑप्शन है, ए हुमायूं, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक दो बार हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जिनके लिए चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेट्रोल की गुणवत्ता, बी भोजन की गुणवत्ता, सी वायु की गुणवत्ता, डी जल की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल की गुणवत्ता। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता को मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? चार ऑप्शन है, ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ किसके उठाना पड़ता है? ए निर्माणकर्ता, बी व्यापारी, सी उपभोक्ता, डी करदाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, यानी कि अप्रत्यक्ष करों को उपभोक्ता को ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। तो ये रहे आज के टॉप 10 GK एवं GS। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।